हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिशा हितल, अश्वमिक विद्यालय किला पाडी, सब्जेक्ट इंग्लिश, नोटिस राइटिंग। अ नोटिस इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ कम्युनिकेशन रिटन इन फॉर्मल स्टाइल टू कन्वे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नोटिस, इमेजिन। ओके, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जब ऐसे लिखते हो, स्टोरी राइटिंग लिखते हो, मैसेज राइटिंग, लेटर राइटिंग, तो ऐसे ही आपको क्या लिखना है, नोटिस राइटिंग। कि मतलब कि आप एक इमेज करो कि आप कोई संस्था में या कोई टीचर की जॉब्स कर रहे हो, कि कोई भी कहाँ पे कंपनी में वर्क कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको आप क्या करोगे। आप कहाँ पे कोई प्रिंसिपल हो और आप अनाउंस करते हो कि स्कूल में 2 दिन की छुट्टी है, वो नोटिस बोर्ड पे लगाई हुई है। समझ में आया कि नोटिस किसको बोलते हैं। तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम्स में आपको नोटिस राइटिंग पूछी जाएगी। ओके, तो हम देखते हैं कि नोटिस कैसे लिखी जाती है। कि इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। इमेजिन करो कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो। राइट, राइट अ नोटिस टू अनाउंस दैट द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड। आप स्कूल की नोटिस पर अनाउंस, जाहिरतमंद क्या करते हो कि स्कूल कितने दिन की छुट्टी पे है, फॉर अ वीक के लिए, फॉर अ कॉमनवेल्थ गेम्स इन दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स चलने वाली है, इसलिए स्कूल में कितने दिन की छुट्टी है, एक वीक के लिए। तो आपको एग्ज़ाम्स में इतना ही दिया जाएगा कि इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल। यहाँ से यहाँ तक इंस्ट्रक्शन आपको नोटिस राइटिंग लिखनी है। तो सबसे पहले आपको नोटिस राइटिंग कैसे लिखनी है वो हम समझते हैं। उसके जो फीचर्स हैं वो देखते हैं हम कि नोटिस राइटिंग कैसे लिखी जाती है। तो नोटिस इज़ रिटन विद इन अ बॉक्स। तो नोटिस कैसे लिखनी है आपको, कि जो पेज है आपका, सप्लीमेंट्री का पेज हो या अगर आपका नोटबुक्स का कोई भी पेज हो, तो सबसे पहले आपको ये चौरस बॉक्स ड्रॉ करना होगा। वो बॉक्स आप पेंसिल से ड्रॉ करना। ओके, और सबसे पहले आपको नोटिस राइटिंग लिखने के लिए ऐसा एक चौरस ड्रॉ करो। ओके, एंड द नेम ऑफ द स्कूल और इशूइंग अथॉरिटीज रिटन ऑन द टॉप। और आपको जो नोटिस में लिखना है, जिसके बारे में, वो नोटिस आप टॉप मीन्स की जो चौरस किया है उस पर आप यहाँ पे फर्स्ट लिखना टॉप पे। एंड देन द वर्ड नोटिस शुड बी मेंशन कि किसके लिए नोटिस है ये आपकी। वो सबसे पहले कि आप स्टोरी राइटिंग में स्टोरी लिखते हो, फिर भी स्टोरी में आप स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर का हेडिंग कौन मेंशन करेगा, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटिस में ये हेडिंग आपको मेंशन करना है। देन प्रेसी टाइटल शुड बी क्लियरली गिवन टू इंडिकेट व्हाट द नोटिस इज अबाउट। और जो आप लिखना है वो आपको 2 से 3 लाइन में ही लिखना है, कि आप वो मेंशन करो कि आपकी नोटिस में क्या में है, क्लियर बताना आपको है। एंड देन द नोटिस शुड बी मस्ट कंसिस्ट एंड द टोन मस्ट बी इम्पर्टियल एंड फॉर्मल। इट मस्ट कंटेन ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग। देखो कि आपको नोटिस में सबसे पहले क्या इंक्लूड करना है, डेट, टाइम, प्लेस एंड एनी अदर डिटेल्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे डेट 15 सितंबर, टाइम कौन सा है 2020, आपको जो अभी क्या चल रहा है 2020, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डेट मेंशन करनी है और उसके बाद साल। और ऑन द लोअर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर द नोटिस द नेम एंड डिसीजन पर्सन राइटिंग नोटिस मस्ट बी मेंशन। ओके, तो
आपको यहाँ पे देखा है कि प्रिंसिपल स्कूल में इसके लिए नोटिस भेज रहे हैं कि स्कूल एक वीक के लिए छुट्टी पे है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स ही न्यू दिल्ली में है। तो होली फेथ इंटरनेशनल स्कूल स्कूल का है इसलिए यहाँ होली फेथ इंटरनेशनल स्कूल को स्कूल का है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अश्वमेघ विद्यालय, ओके, अश्वमेघ विद्यालय एंड स्कूल हॉलीडे, ओके। 15 सितंबर है तो आप कौन सी डेट, आपको जिस दिन नोटिस लिखना है पर पास्ट में होगी नोटिस, क्यों कि आप कल से छुट्टी है स्कूल में, तो कल थोड़ी आप अनाउंस करोगे, आज ही आपको तो अनाउंस करना पड़ेगा कि कल कौन सी डेट है, कल 13th, तो आज आप डिक्लेयर करने वाले हो मीन्स कि 12th, इसलिए आज आपको कौन सी डेट का 12th डेट से डिक्लेयर करना होगा। तो देखते हैं कि स्कूल हॉलीडे यहाँ पे टॉपिक में आपको जो नोटिस में इंक्लूड किया है वो ही यहाँ पे लिखो। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, कि क्या है, स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर अ वीक 18 सितंबर, 18 सितंबर से 24 सितंबर फॉर द कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली। नीचे जो लिखने वाला है वो प्रिंसिपल, इतना ही आपको लिखना है, ओके। एंड देन हम सेकंड देखते हैं नोटिस राइटिंग की, रिमझिम रॉय हैज़ लॉस्ट अ पेंसिल बॉक्स। हम देखो कि रिमझिम रॉय, आप खुद ही समझो कि हम ही है। फॉर एग्जांपल कि रिमझिम नाम का जो बॉय है उसका क्या खो गया है, पेंसिल बॉक्स। अब ये क्या कर रहा है कि ही राइट्स नोटिस टू लेट एवरी डे नो कि स्कूल में जाता होगा, तो स्कूल में खो गया उसके लिए हर रोज़ वो क्या बताता है कि अबाउट इट पॉसिबली फाइंड इट, कि कोई भी मुझे ढूंढ के दो। तो एसटी मैरिस कन्वेंट स्कूल का नेम है और यहाँ पे डेट और नोटिस किसके बारे में है, पेंसिल खो गए इसलिए लॉस्ट, लॉस्ट आई लॉस्ट माय पिंक मैग्नेटिक पेंसिल। आपकी जो चीज़ ऊपर हेडिंग में आपके नोटिस में बताइए वो ही बताओ अंदर, कन्विंस करो कि हमारी ये यहाँ पे बताया है कि इसकी पेंसिल खो गई है, देन से लाइक न्यू एंड माय नेम रिटन ऑन इट, उसकी पेंसिल गुम हो गई तो क्या बोल रहा है कि मेरा जो पेंसिल बॉक्स है उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, आई लेफ्ट इट इन द स्कूल ऑडिटोरियम आफ्टर माय ड्राइंग कॉम्पिटिशन। कब खो गई थी कि ड्राइंग रूम के सॉरी ऑडिटोरियम रूम में जब ड्राइंग कॉम्पिटिशन थी उस वक्त उसकी पेंसिल का बॉक्स लॉस्ट हो गया था। इफ़ एनी वन फाइंड इट, जो किसी को मिले प्लीज डिपॉजिट इन द ऑफिस, और कहाँ पे इन्फॉर्म करो, ऑफिस में, रिमझिम रॉय क्लास। ऐसी ही नोटिस राइटिंग आपको एग्ज़ाम्स में, इतना ही मैं बताऊँगी कि ये यहाँ से यहाँ तक की, तो आपको प्लीज़ नोटिस ये पूरा इतना ही लिखना है, कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स का है। तो ये दो नोटिस राइटिंग के एग्जाम्पल हो गए, तो ये दो नोटिस राइटिंग जो है वो मैं आपको लिख के भेज दूँगी, प्लीज़ यू विल राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक, ओके। एंड ये दो में से एक नोटिस राइटिंग आपको ये 60 मार्क्स की एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, प्लीज़ प्रिपेयर दिस नोटिस राइटिंग, ओके, थैंक यू।